हेलो एवरीवन, देखिए अब रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी की हम बात करते हैं। देखो इसमें हम 1 मोल ऑफ गैस कंसीडर करेंगे, आइडियल गैस, और उस गैस को हम हीट करेंगे टू रेज द टेम्परेचर बाय डेल्टा टी। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये पता है कि जो डेल्टा क्यू है इज इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस में डेल्टा डब्ल्यू, या फिर आप पी डेल्टा वी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर रखेंगे इसको डेल्टा क्यू इज इक्वल टू में डेल्टा यू प्लस में पी डेल्टा वी, यही होता है फर्स्ट जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही बोलता है। अब यहाँ पर हीट जो एब्जर्व्ड हो रही है उसको हम बात कर रहे हैं एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की जब बात आ जाती है तो क्या होता है हमारा, बताओ? सी वी आता है। क्या आता है हमारा? सी वी। सी वी क्या होता है बताओ? सी वी का अगर आपको याद हो यहाँ से फॉर्मूला ये बना था, सी वी इक्वल टू में डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ये आपको पता है डेल्टा क्यू इक्वल टू में एन सी वी डेल्टा टी होता है। तो सी वी का फॉर्मूला यहाँ से बना, एन वन होता है आपको पता ही है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में 1 मोल ऑफ गैस की हम बात कर रहे हैं। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ? ठीक है, तो यहाँ पर जो सी वी की बात होगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी यहाँ पर, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। और अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हीट एब्जर्व हुई है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो डेल्टा वी ज़ीरो हो गया। अब अगर डेल्टा वी ज़ीरो हो गया यहाँ पर तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू में डेल्टा यू के बराबर आएगा या नहीं? ये फर्स्ट वाले से देखो ना, पी डेल्टा वी, अगर हमने कहा कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था डेल्टा वी क्या होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा, पहले 5 था अब भी 5 है, ठीक है, पहले 5 था और फाइनल में मतलब बाद में भी 5 ही है, तो उस हिसाब से 0 होगा चेंज इन वॉल्यूम, है ना। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम का यही मतलब है कि चेंज इन वॉल्यूम क्या है, 0 है। ये बात समझ में आती है आपको, बताओ? तो डेल्टा वी यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है ये पूरी टर्म 0 हो गई, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू में डेल्टा यू बचा, यही हुआ। और हमें पता है कि जो सी वी है वो क्या होता है हमारे पास, डेल्टा क्यू बाय एन डेल्टा टी, एन वन है हमारा। क्लियर है? अब यहाँ से हम ये सी वी की जो वैल्यू आई है इसको ये रख सकते हैं ना, सी वी को डेल्टा क्यू की जगह मैं डेल्टा यू रख दूँ, बताओ कोई दिक्कत इसमें? इसको आप मान लो फर्स्ट इक्वेशन मान लो इसको। क्लियर है इतनी बात, बताओ? अब जब हम बात कर रहे हैं कि अगर हीट एब्जर्व हो जाए किस पे, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, जब कॉन्स्टेंट प्रेशर पे होगा, अब वॉल्यूम की कोई कहानी नहीं है, तो फर्स्ट लॉ आपको पता ही है क्या, डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब हमें पता है कि कॉन्स्टेंट प्रेशर की जब बात होती है तो क्या आता है हमारे पास, सी पी आता है, और सी पी भी यही था डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी था। ठीक है, अब डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी था, ये समझ में आ गया होगा आपको कैसे आया, यहाँ पर ये सी पी इज़ इक्वल टू में दिस था और एन वन था, इससे पिछली वीडियो ही थी जो ये हमने की थी। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर तो अगर हम फर्स्ट लॉ को देखें तो यहाँ पर तो प्रेशर कॉन्स्टेंट है, वॉल्यूम का तो कोई भी चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ही हम पुट करेंगे यहाँ पर या नहीं करेंगे, बताओ? ये चीज़ आप समझ सकते हो कि नहीं समझ सकते, बताओ? तो यहाँ पर देखो ज़रा, अगर हम देखें कि सी पी इज़ इक्वल टू में डेल्टा क्यू की अगर वैल्यू मैं रखूँगा यहाँ पर, देखो ये यहाँ से, तो ये कितनी बनती है, डेल्टा यू प्लस में पी डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। अब इसको मैं अलग अलग करके रखूं, अगर डेल्टा यू बाई डेल्टा टी प्लस में पी डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, इस तरीके से किया है, बताओ कोई दिक्कत हो तो? ठीक है, इसको मान लो आप सेकंड। नाउ अब क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करो ज़रा फर्स्ट को फ्रॉम सेकंड। ठीक है, तो देखो ज़रा क्या आएगी आपके पास, हमें निकालना है इसमें क्या, सी पी माइनस सी वी। ठीक है, तो हम इस तरीके से करेंगे कि फर्स्ट को सेकंड में से अगर हम करें तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो सेकंड में से करना है तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लो सी पी और इसका राइट हैंड साइड लो, सॉरी इसका लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, फिर इसका राइट हैंड साइड लो, दैट इज़ डेल्टा यू बाई डेल्टा टी प्लस पी डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी माइनस इसका राइट हैंड साइड ले लो, दैट इज़ डेल्टा यू बाई डेल्टा टी। अब ये कट जाएगा, ऑब्वियसली एक प्लस का एक माइनस का है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सी पी माइनस में सी वी कितना बन गया हमारे पास, पी डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, बताओ कोई दिक्कत इसमें तो? ठीक है, तो ये इसको मान लो आप थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब हमें पता है फॉर एन आइडियल गैस इक्वेशन इक्वेशन और फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इक्वेशन, तो वैसे होता है हमारे पास पी वी इज इक्वल टू में एन आर टी, तो यहाँ बनेगा पी वी इज इक्वल टू में आर टी। ठीक है ना, एन क्या है, 1 है,
क्लियर। अब इसमें क्या करो आप, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, यहाँ मैं लिखता हूँ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, और साथ में क्या है हमारे पास, कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है, फॉर कांस्टेंट प्रेशर। अब देखो अगर हम यहाँ से देख रहे हैं पी वी इज इक्वल टू में आर टी है, ठीक है, पी कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन होगी वी की, तो मैं इसको लिखूँगा डेल्टा डेल्टा में ले रहे हैं ना, अगर मैं इसको डी डी में लिखता तो यहाँ भी डी में लिखता, अब ये ऐसे डेल्टा में ले रहे हैं तो डेल्टा में ले देते हैं डेल्टा वी, और विद रिस्पेक्ट टू टी है तो डेल्टा टी आ गया, ठीक है, वी की डिफरेंशिएशन डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, या फिर आप लिखते हैं डी वी बाई डी टी, क्लियर। और यहाँ पर अगर आप देखोगे इज इक्वल टू में आर है और ये टी है, ठीक है, आर टी, आर तो कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, तो आर टी में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, आर आएगा, ये सेम ऐसे ही है जैसे कि टू टी लिखा होता, तो मैं कहता है इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती, टू होती, या फिर टू एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती, टू होती विद रिस्पेक्ट टू अगर एक्स करते, है ना, वैसा ही है ये, तो आर टी है, आर तो क्या है हमारा कॉन्स्टेंट है तो आर आ जाएगा, और विद रिस्पेक्ट टू टी तो हम कर ही रहे हैं यहाँ पर, आ रही है डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है यहाँ से या नहीं। अब यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है, अगर ये हम मान लें अपनी फोर्थ इक्वेशन, तो थर्ड और फोर्थ को देखो जरा, इक्वेट करो, यहाँ भी पी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी है, यहाँ भी पी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी है, तो ये सी पी माइनस सी वी, देखो हम यहाँ इसे लिखते हैं फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ से देखो जरा पी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, यहाँ भी पी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ये आर के इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो यहाँ नहीं कि यहाँ से हमें बचा गया सी पी माइनस सी वी किसके इक्वल हो गया, आर के इक्वल हो गया, बताओ जी समझ में आई ये कहानी या नहीं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज मेयर्स फॉर्मूला भी बोलते हैं, इसको याद रखना, ठीक है, क्लियर रहेगी बात इतनी या नहीं, ठीक है। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि गामा जो है यहाँ पर क्या होता है हमारा हीट कैपेसिटी रेशो होती है, जो कि होती है सी पी बाय सी वी, जो कि हमारी यूज़ हुई थी एडियाबैटिक में अगर आपको याद हो, है ना, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू में क्या आया था, के। अब ये जो इक्वेशन जैसे यहाँ भी मैंने लिखी थी है पी वी गामा इज इक्वल टू में कॉन्स्टेंट, ये हम ड्राइव भी कर सकते हैं, ठीक है, तो अगर हम करना चाहेंगे तो कर भी लेंगे, ठीक है, तो देखेंगे आपको या तो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा या करवा दूंगा इसके एंड में आपको टॉपिक के इस चैप्टर के, ठीक है, तो देखते हैं कि कब कर पाएंगे, लेकिन मैं करवा दूंगा, जिसको दिक्कत है कि कैसे आया वो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, कर लेंगे उसको, कहीं स्कूल्स में करवा देते हैं टीचर्स तो फिर उनके एग्ज़ाम में आते हैं, क्योंकि देखो 11th का पेपर जो है ना आपके स्कूल में ही बनना है ना, तो जो स्कूल में हो रहा है उसी में से पेपर आएगा आपका, है ना, बोर्ड में तो हम कह देते हैं जो मर्जी चल रहा है आपके स्कूल में, जो हम करवा रहे हैं वो करते जाओ, पेपर बनेगा तो सिलेबस में से ही, कहीं बाहर से थोड़ी बन जाएगा, है ना, तो लेकिन 11th में क्या होता है कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको टीचर ने करवा दी हैं तो फिर वो अपना पेपर भी बना लेता है, ठीक है ना, तो वो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ समझ में आई बताओ, ठीक है, फंडे क्लियर करते चलो बस, और तो कुछ नहीं है, ठीक है जी, सिंपल ही था डेरिवेशन, कोई इतनी मुश्किल नहीं थी, रिलेशन अगर आपसे कोई पूछ रहा है सी पी सी वी का ड्राइव करो तो सी पी माइनस सी वी इक्वल टू में आर, आर आपको पता ही है क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट होता है, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।